कानपुर देहात में प्राथमिक विद्यालय में पेट के कीड़े मारने की दवा खाने के बाद एकाएक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की तबीयत नाजुक होने लगी। कीड़े मारने की दवा एल्मेंडाजोल को स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्राथमिक स्कूल के बच्चों को खिलाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मुहिम चलाई जा रही थी, जिसके चलते कानपुर देहात के प्राथमिक विद्यालयों में भी बच्चों को पेट के कीड़े मारने की दवा दी गई। इसके बाद एकाएक दवा खाने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी एक के बाद एक, और ऐसे करते करते तकरीबन कानपुर देहात के अकबरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थित जैनपुर प्राथमिक विद्यालय के करीब एक दर्जन बच्चों की तबीयत नाजुक हो गई, जिसे देखकर स्कूल प्रबंधन के हाथ पांव फूल गए, जिसके बाद बच्चों की तबीयत खराब होने की सूचना पर हजारों की तादाद में परिजन इकट्ठा होकर हंगामा काटने लगे। अपने अपने बच्चों की तबीयत बिगड़ते देखकर परिजनों की चीख पुकार निकलने लगी। हमारा रवि शंकर, क्या हुआ है बच्चों को? बच्चे के हमारे हाथ पांव सब हिल रहे हैं, बेहोश हो गया था। क्यों हो रहा है? आपके किया दी नहीं मैडम लोगों ने, तो उसी से हुआ है। कितने बच्चे बीमार हुए? अरे इनकम कम 10-12 बच्चे हैं। अच्छा हाँ, अब वो क्या बताया इन लोगों काहे की दवा दी? अब ये हमको नहीं मालूम है साहब, काहे की दवा 400 mg की दवा दी है। कितने मतलब बच्चों की हालत क्या है इस समय? बच्चे के वो चला गया एम्बुलेंस। कितने बच्चे हैं? लगभग 10-12 बच्चे हैं साहब। और दी कितने लोगों को दी है? पूरे स्कूल में दी? हाँ पूरे स्कूल में दी है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने मुस्तैदी बरते हुए तत्काल प्रभाव से स्कूल पहुंचकर वहां पर बीमार हुए करीब एक दर्जन बच्चों को अस्पताल पहुंचाकर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई। वहां पर बच्चों को डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, लेकिन जब हमने इस बाबत स्वास्थ्य महकमे के अधिकारी से बात की तो उन्होंने बताया कि इस दवा का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। ये दवा राष्ट्रीय स्तर के अभियान के तहत सभी स्कूल के बच्चों को दी जा रही है और ये दवा पेट में होने वाले कीड़े को मारती है। डॉक्टर साहब ने कहा कि इसको खाने के कुछ साइड इफेक्ट नहीं होते, जो कि हानिकारक भी नहीं है। जी मचलाना, उल्टी होना, थोड़ा बहुत चक्कर आना, ये स्वाभाविक लक्षण है। डॉक्टरों की माने तो उनका कहना है कि दवा पूरी ट्रेनिंग के तहत बच्चों को खिलाई जाती है और इसके लिए स्कूल में मौजूद शिक्षकों को इसकी पूरी ट्रेनिंग दी गई है। डॉक्टर यह भी कह रहे हैं कि दवा बच्चों को चबा कर खाने के लिए सलाह दी गई थी और जो बच्चे 2-3 वर्ष के हैं उन्हें पानी में घोल कर भी दवा पिलाई जानी थी। लेकिन सवाल यह उठता है कि स्वास्थ्य महकमा दवा खिलाने की ट्रेनिंग शिक्षकों को दे चुका था, उसके बावजूद बच्चों की तबीयत कैसे बिगड़ने लगी? डॉक्टर कहना है कि दवा चबा कर खाने से कोई नुकसान नहीं होता, अगर कोई बिना चबाए इसे खाता है तो इसका साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। एक शिक्षक बच्चों को दवा खिलाने की बात कर रहा है, सवाल यह भी उठ रहा है कि दवा खिलाने की ट्रेनिंग के दौरान ध्यान नहीं रखा गया? मेरा नाम डॉक्टर एस एल वर्मा है, ACMO। सर ये बच्चों में जो तबीयत खराब हो रही है, जो स्कूल के बच्चे हैं, क्या है पूरा मामला, क्या हुआ? इसमें ये है कि जो एल्मेंडाजोल का हमारा 11 तारीख से जो प्रोग्राम था, ये हमारा राष्ट्रीय प्रोग्राम है, इसमें जो पेट में कीड़े होते हैं उसमें एक टीनिया सोलियम होता है, एक टीनिया सेजानेटा होता है, तो हिंदी में हम लोग बता सकते हैं मगर वो इसको नहीं समझेंगे, तो पेट के कीड़े बोलते हैं। जब ये हो जाता है तो उससे एनेमिया की बीमारी, खून की बीमारी होती है। इसको सरकार ने रोकने के लिए ये हर साल प्रोग्राम चलता है जिसमें एल्मेंडाजोल की गोली खिलाई जाती है। तो आज ये जो बच्चों की तबीयत खराब हुई है, ये इसका क्या कारण है? इसका कारण ये होता है कि कभी कभी जिस किसी ने चबा के गोली नहीं खाई, वो सीधे गोली खाली पेट में पहुंची, तो कभी कभी क्या होता है वो गोली घुल नहीं पाती है, उसके घुलने में वक्त लगता है, और अगर कोई उसमें पेट कीड़ा पड़ा हुआ है इस तरह का, तो भी अगर वो मरता है तब भी उल्टी सी थोड़ी सी घबराहट होती है और कुछ देर में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। एक दर्जन से ऊपर बच्चे की तबीयत खराब हुई है, क्या ये इस तरीके की कोई गाइडलाइन थी या बताया गया था कि किस तरीके से दवा खिलानी है? गाइडलाइन पूरी बताई गई थी कि दवा चबा के खाना है और अगर छोटा बच्चा 1 साल का है तो चम्मच में पीस के पानी में मिला के खिलाना है। 1 साल से 2 साल तक के बच्चे को जो 400 mg गोली वो आधी खिलाना है और 2 से 19 साल तक के बच्चों को। यहाँ तो मास्टर ने सबको लगातार वैसे ही सेम टेबलेट खिला दी, मतलब एक ही, एक चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जब मानते हैं नहीं, नहीं नहीं उसमें 1 साल से 2 साल तक नहीं, जहाँ बच्चे कहाँ होंगे लगातार जिस तरीके से बच्चों की तबीयत खराब हो रही, क्या लग रहा है आपको कि दवाई खिलाने के नियम बताए नहीं गए? पूरी ट्रेनिंग दी गई है, जो स्कूल के नोडल टीचर थे उनको बुला के ट्रेनिंग दी गई है, उनके जो BSA थे वो भी DM जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार में उनके साथ सर के मुख्य चिकित्साधिकारी ने, जो इसके नोडल हैं
उनके द्वारा भी बाकायदा गाइडलाइन का कि ये किस मतलब टैबलेट कैसे खिलाना है, किस बच्चे को कितनी खिलाना है। तो उसके बाद बच्चों की तबीयत खराब हो रही है, इसके क्या साइड इफेक्ट होंगे? साइड इफेक्ट वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे किसी बच्चे को दवा खिलाई उसने पूरी नहीं चबाई और गुटक गया वो, तो वो घुलने में वक्त लगता है। इससे कोई अनहोनी नहीं हो सकती? नो, कोई अनहोनी नहीं आज तक, समझ जाइए कि 1,00,000 में से एक व्यक्ति को कभी ऐसा नहीं हुआ। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।